तो गाइस बारिश के मौसम में आपने नोटिस किया होगा फ्रंट विंडशील्ड होती है गाड़ी की, वहां पर फॉग जम जाती है। तो घर से निकले थे उस वक्त बारिश नहीं थी और रास्ते में बारिश आ गई और आपको कुछ ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है अभी। तो फिलहाल आपको अभी क्या करना है उसको लेकर मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, इस फॉग को कैसे हटाए, क्योंकि विजिबिलिटी आप देख सकते हैं ना के बराबर है। मुझे है ना शीशे को उस पार कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, वाइपर ऑन है फिर भी अंदर फॉग जमने की वजह से यह बिल्कुल विजिबिलिटी कम हो चुकी है, मतलब कि ना के बराबर है। तो मैं इसको हाथ से साफ करने की कोशिश करूंगा तो यह शीशा पूरी तरह से और खराब हो जाएगा। तो कई लोग सोचते हैं भाई हीटर ऑन कर लेते हैं तो यह शीशा होगा वो क्लीन हो जाएगा, या फिर एसी ऑन करते हैं तो क्लीन हो जाएगा। तो कई भाइयों के दिमाग में डाउट रहता है कि एसी ऑन करें या फिर हीटर ऑन करें। तो आज मैं आपको दोनों ऑप्शन ऑन करके आपको दिखाने वाला हूँ। पहले हम हीटर को ऑन करेंगे और देखेंगे क्या ये शीशा अच्छी तरह से क्लीन हो पाता है या फिर नहीं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, देख सकते हो बारिश अभी शुरू हुई है। तो मैं यहाँ से अब इसको टेम्परेचर को यहाँ कर देता हूँ और हाई पे ही रखा हुआ है तो भाई हीटर का काम करेगा। अब देखते हैं कि भाई शीशा क्लीन हो पाता है या फिर नहीं। आप देख सकते हो तो थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं थोड़ा वीडियो है उसके वीडियो की स्पीड है उसको 2x या फिर 3x का तक कर देता हूँ। तो भाई गाड़ी के अंदर गर्म सी हवा बहने लगी है। यहाँ पर जो मोड़ दिए गए हैं फ्रंट विंडशील्ड होती है वहाँ भी वेंट दिए गए हैं, तो वो वेंट मैंने अभी ऑन करके रखे हुए ताकि गर्म हवा जैसी आए वो सीधे विंडशील्ड के ऊपर लगे ताकि अच्छे से विंडशील्ड वो क्लीन हो जाए। तो हीटर ऑन होने की वजह से भाई अभी देख सकते हैं कितना वक्त लगता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं तकरीबन 3 मिनट से ऊपर हो गए, मैंने वीडियो काट लिया हाथ दसा। तो 3 मिनट होने के बाद भी जो विंडशील्ड है वो क्लीन नहीं हो पाई है तो हीटर से भाई यह बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब आपको एसी ऑन करना पड़ेगा। एसी ऑन करके देखते हैं क्या एसी से भी यह फॉग हट पाती है या फिर नहीं। ज्यादातर केस में एसी में हट जाती है, हीटर में नहीं हो पाती है। तो हीटर का मतलब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, शायद आपके वहाँ पर लैंग्वेज में कुछ अलग से कहते होंगे, मैंने तो इसको हाई पर रखा था तो इसको अब नॉर्मल पे एसी क्यों कर देते हैं। तो मैंने इसको नॉर्मल पे ही रखा हुआ है तो एसी ऑन कर लेते हैं। एसी मैंने देख सकते हैं ब्लोअर फैन की जो स्पीड है 3 पर रखे हुए और विंडशील्ड आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी भाई, एसी में ये काम करेगा। तो गाइस यंग लड़के होते हैं उनको तो पता होता है कि एसी ऑन करना है फिर हीटर ऑन करना है, तो वो तो भाई अपनी मंजिल तक अपनी गाड़ी लेकर चले जाएंगे अगर एसी प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो देख रहे हैं दिख सकते हैं आप बिल्कुल विंडशील्ड है वो क्लीन हो गई है। तो भाई जब भी आपकी गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर फॉग जम जाती है तो एसी को ऑन कर लीजिए। एसी जैसे ही ऑन करेंगे आपकी गाड़ी का जो विंडशील्ड है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मेरी गाड़ी का विंडशील्ड है वो क्लीन हो गया है और ये वीडियो बनाने का मकसद देखी था, ये सब मेरे को आपको दिखाना था। और भाई अभी लाइव हूँ देख सकते हैं, बारिश अभी आ ही रही है, बारिश वैसे चल ही रही है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।